नमो बुद्धाय। मैं शिवाजी पार्क से लाइव हूँ और आज यहाँ पर हमारे स्टॉल पे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्टॉल पे, एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग हमारे यहाँ पर स्टॉल पर आए। उन्होंने मुझे ये एप्लीकेशन दिया है। मैं इस बच्ची का नाम और उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। ये बच्ची MBBS की ट्रेनिंग कर रही है। 2020 और 21 में इसको एडमिशन मिला है और DY पाटिल यहाँ पर नवी मुंबई में MBBS की मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है MBBS के लिए। तो वहाँ पर ये बच्ची पढ़ रही है 2020-21, यानी आज अभी हम लोग जो एकेडमिक ईयर चल रहा है वो 22-23 है, यानी 2 साल पहले उसको एडमिशन मिला है। 2021 एकेडमिक ईयर, 2021-22 खत्म हो चुका है और 2022-23 अब चल रहा है। तो 3 साल पहले, 2 साल पहले इस बच्ची को एडमिशन मिला है MBBS के लिए। अब इसका ये मेरे पास एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट पूरे फैमिली का इनकम इसका एक साल का है, 2021-22 का, 30,000 रुपया, 30,000 एनुअल इनकम है। और ये, क्योंकि मुझे इसका नाम रिवील नहीं करना है इसलिए मैं वो हाइड कर रहा हूं, ये है सालाना फीस का स्ट्रक्चर। सालाना फीस का स्ट्रक्चर आप देखिए, जिस फैमिली का एनुअल इनकम ही 30,000 है, वो 25-25 लाख रुपए एवरी ईयर कहाँ से भरेंगे? 25 लाख रुपया 2020-21 के लिए, 21-22 के लिए 25 लाख 75 हजार, 22-23 के लिए 25 लाख 75 हजार, 23-24 के लिए 25 लाख 75 हजार और 24-25 के लिए। आज शिवाजी पार्क में हम लोग यहाँ से लोगों की भीड़ ना दिखा सके, लोग कितने आए हैं, किस तरह से बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं, ये लाइव आकर ना दिखा सके, इसलिए बॉम्बे, BMC, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट, इन्होंने यहाँ पर सारा ये जो नेटवर्क है जाम करके रखा हुआ है, इसलिए ये बार बार लाइव कट हो रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो बच्ची, जो परिवार 30,000 रुपए का एनुअल इनकम है, वो एक साल में 30-30 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? और इसलिए मैंने कैप्शन दिया है कि बौद्धों को अपनी अर्थव्यवस्था क्यों खड़ी करनी चाहिए। आज इस बच्ची को 30 लाख रुपए की एजुकेशन फीस उसको भरनी है और उसका एनुअल इनकम उतना है नहीं। अगर यहाँ पर हमारी बैंक होती, इसने बैंक के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, ऐसे नहीं कि बैंक को अप्लाई नहीं किया है। ये रहा बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ एप्लीकेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक इनको लोन नहीं दिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 72,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ कर रही है, वे ऑफ कर रही है, वो हमारे बच्चों को 25 लाख रुपए की फी भरने का भी लोन नहीं दे रही है। मैं लोन कह रहा हूँ, डोनेशन नहीं कह रहा हूँ, लोन, जो वो बच्ची डॉक्टर होने के बाद इस लोन को रिपे कर सके, वो लोन तक SBI हमको नहीं दे रही है। इसलिए बौद्धों को अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करना चाहिए। जो कानून बाबा साहब ने तैयार किया है, कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसका इस्तेमाल करके हम अपनी बैंक का निर्माण करना चाहिए, और वो काम हम कर रहे हैं। और आज यहाँ पर मेरे साथ जो बैंक का सारा नियोजन कर रहे हैं, रविंद्र गुरचल जी है। ये बैंक हम थाने डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव एक्ट है, बैंक का प्रोसीजर है, आपको 3 साल एक डिस्ट्रिक्ट में काम करना पड़ता है और उसके बाद इसको मल्टी डिस्ट्रिक्ट और मल्टी स्टेट की मान्यता मिलती है। और इसलिए हम ये मल्टी डिस्ट्रिक्ट और मल्टी स्टेट की बैंक निर्माण करने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट में बैंक तैयार कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट है थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम कर हम लोगों को इस बैंक की, हम लोगों को क्यों आवश्यकता है, ये बताने का काम मैं कर रहा हूं। और सिर्फ 4,000 लोग इकट्ठा होकर अपनी बैंक तैयार कर सकते हैं, ऐसा कानून बाबा साहब ने तैयार किया है। यहाँ पर 15 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, 15 लाख, 15 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी खुद की बैंक नहीं है, उनके खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, उनके खुद के अर्थव्यवस्था नहीं है। ये 15 लाख लोग सिर्फ बाबा साहब का अनुकरण भी करे तो हमारी व्यवस्था खड़ी हो सकती है, लेकिन हम अनुकरण नहीं कर रहे, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति मार्ग पर चले गए हैं, और इसलिए अनुयायी तैयार करना बहुत जरूरी है। 4,000 अनुयायी भी एक डिस्ट्रिक्ट में तैयार हो जाए तो हम अपने एजुकेशन, हम अपनी बैंकिंग, हम अपनी रिलीजियस व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। अब थाने डिस्ट्रिक्ट में 4,000 लोगों ने अगर अपने 2,500 रुपए इकट्ठा किए होते, और 2,500 इकट्ठा करने के बाद
1 करोड़ रुपया हमको रजिस्ट्रार ऑफ था डिस्ट्रिक्ट उसको सबमिट करने हैं। इसके बदले में रजिस्ट्रार मध्यवर्ती बैंक, हम यहाँ पर कहते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट में थाना जिला मध्यवर्ती बैंक, हमारे 1 करोड़ रुपया सरकार को या रजिस्ट्रार को देने के बाद सरकार को या रजिस्ट्रार को बंधन कारक है कि उनको उनके 100 करोड़ का इंस्टॉलमेंट हमारे बैंक में रखना होता है। तो सोचिए, 100 करोड़ रुपया अगर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में हमारे पास हो, तो ऐसी कई सारी डॉक्टर्स हम तैयार कर सकते हैं। इस बच्ची को पिछले 2 साल से इसको एग्जाम देने नहीं दिया गया है, इस बच्ची को एग्जाम देने से रोका गया है, इस बच्ची को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। सोचिए, ये एक एप्लीकेशन मेरे पास आया है, ऐसे हजारों एप्लीकेशन पूरे भारत भर में होंगे। और इसलिए थाने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये बैंक का नियोजन हम लोगों ने किया है, इसमें आप लोग शामिल होइए। यहाँ पर 15 लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के विजन पर हमारे हाथ से काम नहीं हो रहा है। तो ये विजन का काम करने के लिए थाने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं गुरुचर जी से पूछना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि थाने डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दिनों में हमारी कुछ बैंक्स को लेकर मीटिंग्स आयोजित की गई है, वो मीटिंग्स की डिटेल आप लोगों को दीजिए ताकि थाने डिस्ट्रिक्ट में सुन रहे जो लोग हैं वो उस मीटिंग्स में आ सके। धन्यवाद सर, और जे भी सब लोगों को, हमारे आने वाली 10 तारीख को थाने में, थाने शहर में 3 जगह पे हमारी मीटिंग है, और बाद में उसके बाद 11 तारीख को मुरबाड़ और भिवंडी में 2 जगह पे मीटिंग है, और 16 तारीख को कल्याण में आत्रे में, आत्रे हमारा कल्याण शहर में आत्रे करके नाट्य गुरु है, उसमें शाम को 7 बजे वहां पर सभा रखी है साहब की। उसके बाद 18 तारीख को हमने उल्लासनगर में 4 नंबर सुभाष टिकरी पे वहां पर सभा रखी है, और उसके बाद और एक डेट है 24 तारीख को हम नवी मुंबई में और एक साहब की सभा रख रही है, जो बैंक का पूरा डिटेल उनको जानकारी वहां पर मिलेंगी, और शेयर होल्डर होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करती है साहब के माध्यम से आपको बताई जाएंगे। तो आप सभी जन उस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे, यह आपको विनंती करता हूँ। जय भीम। जय भीम। तो थाने डिस्ट्रिक्ट में ये सारी हमारी मीटिंग्स है बैंक्स के लेकर, कई सारे शेयर होल्डर्स हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं, और हम लोग विजन, ये बाबा साहब को अभिवादन करने का तरीका मैं अपने लिए थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। हम सिर्फ बाबा साहब को फूल माला देकर, मोमबत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर अब से अभिवादन नहीं करने वाले हैं। आने वाले 1 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनकी विचारों की बैंक तैयार करके हम बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। हर साल बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से एक विचार उठाकर उसको तैयार करने का काम हम करेंगे, और इस माध्यम से बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को अगर हम लोगों को अभिवादन करना है तो हम लोगों को ये काम करना होगा। बाबा, आज संख्या हमारे पास है, इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी, अगर मेरे पास लाइव करने के लिए थोड़ा नेटवर्क हो जाता तो मैं आप लोगों को पूरे शिवाजी पार्क में घुमा घुमा कर दिखाता कि किस तरह के लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, यानी पता नहीं वो लोग ट्रेनों में आए, चलकर आए, बच्चों को कंधों पर बिठा कर लेकर आए हैं। ये लोग भी अगर बाबा साहब को समझ जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और पर्याय से राजनीतिक व्यवस्था हम अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर ये 15 लाख लोग बाबा साहब के विचारों पर चलना शुरू कर दे तो इतनी बड़ी ताकत हम लोगों के पास है, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास है, लेकिन संख्या होने के बावजूद विचार हमारे पास नहीं है। इन विचारों को एस्टाब्लिश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग थाने से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं थाने डिस्ट्रिक्ट से, ये बैंक का नियोजन हम कर रहे हैं और बाबा साहब को ये बैंक बनाकर हम अभिवादन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग उसमें इनवाइटेड है, आप सभी लोग शामिल होइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।